बेटी के ग्राम सभा जंगल रामनगर के पूर्व ग्राम प्रधान और उनके पति और उनके बेटे के खिलाफ हजारों ग्रामीणों ने आवास, शौचालय और पट्टे के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलने का गंभीर आरोप लगाया। नाराज ग्रामीणों ने पूर्व ग्राम प्रधान को कोतवाली अमेठी और प्रार्थना पत्र देते हुए पुलिस के हवाले किया। प्रधान हमारे यहाँ जगदीश जो है, उनके पुत्र रविंदर जो है, ये हमसे पैसा लिए थे ईंट के लिए, मतलब बनवाना था हमको कॉलोनी देने के लिए, करे उसके लिए 15,000 रुपये लिए, 38,000 रुपये ईंट के लिए RTGS करवाए थे, लिए थे। अभी तक कह रहे थे कि प्रधान हम हो जाएंगे, तुमको देंगे पैसा, लेकिन अभी पैसा दे नहीं रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि हमको नहीं दिया आपने, या तो आप हमसे आके अकेले में मिलो, यही सब हमको कह रहे हैं। झगड़ा झंझट पे मादा हैं ये, इसलिए हम यहाँ प्रार्थना पत्र देने आए हैं। गाजीपुर में मतदान के दौरान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की बूथ पर अव्यवस्था देखने को मिली। वही बूथ एजेंट के साथ साथ वहां मौजूद मतदाताओं ने मतदान धीमी गति से चलने की शिकायत की। सर, परिवर्तन के बेला में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चियां, सभी लोग, और शांतिपूर्ण से ढंग से अपना वोट का प्रयोग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। किसी तरह की यहाँ कोई किस शिकायत आ रही है, कोई समस्या हो रही है? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं। यहाँ पे सब लोगों ने मिलजुल करके अपने महापर्व पे अपना वोट का प्रयोग कर रहे हैं, परिवर्तन के बेला में परिवर्तन चाहते हैं। जी, आपका परिचय? जी, रजदेपुर से हैं, मोहम्मद एहतिसाम नाम है मेरा। तो आप यहाँ वोट अपना मत का प्रयोग करने आए थे? तो किसी तरह की कोई परेशानी हुई? परेशानी एक है कि बहुत धीरा काम अंदर हो रहा है, और धीरा काम होने की वजह से 5 बजे तक ये लोग तो बंद करके चले जाएंगे, और वोटर जो है वोट देने से चूक जाएंगे, रह जाएंगे। वोटर वोट देने से चूक जाएंगे, मतलब काम बहुत स्लो चल रहा है, बहुत चल रहा है, यही परेशानियां यहाँ पे हो रही है। हम करीब 1 घंटा से खड़े हैं, लाइन में लगे हैं, अभी तक जो है आधा भी लाइन अंदर नहीं गया। यानी कुछ लोग बता भी रहे हैं कि स्लो काम चल रहा है, बहुत स्लो काम चल रहा है। ये जो है 5 बजते पूरी जनता वोट नहीं दे पाएगी, और ये बंद हो जाएगा 5 बजे। इस बार किस मुद्दे पर लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर प्रयोग अपने, तो विकास की बात कौन कर रहा है? विकास और महंगाई के मुद्दे पर विकास की बात अखिलेश यादव कर रहा है। मोहम्मदाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अलका राय ने भी मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि मैं गुंडे माफियाओं के खिलाफ लड़ रही हूं, चुनाव बहुत अच्छा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की सरकार रही है, और हम तो जो गुंडा माफिया के खिलाफ मैं मोहम्मदाबाद में लड़ती हूँ, कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग और साथ। कैसा माहौल लग रहा है जैसे आपकी पार्टी को लेकर के? बहुत अच्छा माहौल बना है। प्रदेश में सरकार की क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं? प्रदेश में फिर योगी की सरकार बनने जा रही है। और मतदान की प्रक्रिया आप पूरे विधानसभा में घूमी होंगी, कैसी चल रही है? हाँ, हम अभी गए हैं, घूम रहे हैं, अच्छा चल रहा है, मतदान हो रहा है, प्रशासन का सहयोग साथ मिल रहा है, आप पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग। सकलडीहा विधानसभा के मेहवा में पोलिंग बूथ पर ग्रामीणों ने सुबह से ही मतदान करने से बहिष्कार किया, जिसके बाद जिलाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नाराज ग्रामीणों को मनाया और मतदान करने के लिए तैयार किया। कहते हैं कि फॉरवर्डों की सरकार है, लोग कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, गरीबों की मसीहा है। बताइए कि जो ग्राम सभा में जो पैसा आ रहा है वो ग्राम समाज के लिए हमारे आ रहा है, तो उसका पैसा क्यों नहीं लगा रहा है विकास में? सारा पैसा जो है कि सिर्फ कागजों पे है लोग, जबकि हमारे जिले के अधिकारी DM हैं, बोलते हैं कि नहीं, कोई भी काम जमीन पे होना चाहिए, कागजों पे नहीं, मगर हर काम यहाँ का कागज पे हो गया, पैसा भी पास हो गया, यहाँ की गरीब जनता अधिकारियों के यहाँ दर दर भटक रही है। कितने दिन पहले का मामला है? 2 साल हो गया, ये लोग हम जांच अभी तक नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं हुआ। मिर्जापुर में मतदान के दौरान केंद्रीय मंत्री और अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि 2017 की तरह ही इस बार भी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने दायित्व का निर्वहन किया, मिर्जापुर में अपना मतदान किया है मैंने, और पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मिर्ज़ापुर की 5 सीटें जिस पर हमारे NDA गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं।